भाभी, यानी मन भारी सा लग रहा है। मेरा नृत्य करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरा भी नृत्य करने का मन नहीं हो रहा। क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई? मेरा नृत्य करने का मन नहीं है। क्या तुम नृत्य नहीं करना चाहती हो? इसका क्या अर्थ है, कारण क्या है, ये तो बताओ। कोई कारण नहीं है, बस मेरा नृत्य करने का मन नहीं है। लक्ष्मणा, श्री, क्या आप इन सबका बर्ताव देख रहे हैं? अभी कुछ क्षण पूर्व ही इतनी प्रसन्न थी और दूसरे क्षण में इतनी व्याकुल और इतनी दुखी। तवश्री, मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताश्री की इन सबको प्रसन्न करने की योजना पूर्णतः व्यर्थ हो चुकी, क्योंकि इन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए अब बस, मैं तो हार मानता हूं। प्रतीत होता है कि इन सब में आए इस बदलाव का कारण वापस मार ही है। इससे पूर्व की वो और कोई बड़ी गड़बड़ करे, मुझे उसे रोकना ही होगा। बस आशा है कि कान्हा राधा को संभाल ले। आओ बैठो। ये दोनों घट यहां रख दो और बाकी के अन्य घट और सामग्री भी ले आना। इस नवरात्रि घट हम दोनों मिलकर सजाएंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। अति उत्तम विचार है। क्या बात है बहना, यदि आप दोनों साथ मिलकर घट की स्थापना करेंगे तो इस उत्सव की शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। किंतु मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना इस कार्य को हम कुछ समय पश्चात करें, उससे पूर्व हम महादेव के नृत्य का आनंद उठाएं। महादेव का नृत्य? हाँ, तुम्हें ज्ञात नहीं था, महादेव आनंद तांडव कर रहे हैं। और सभी को उस दिव्य नृत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानता हूं तुम भी देखना चाहती हो, और तुम देखना ही चाहती हो तो उससे पूर्व राधा को मनाने में मेरी थोड़ी सहायता कर दो, कि वो भी हमारे साथ चले और वो भी महादेव के इस दिव्य नृत्य का आनंद उठाए। राधा, इसमें मनाने वाली कौन सी बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य देखना चाहेंगी आनंद तांडव। मेरा मन नहीं है सुभद्रा, तुम जा सकती हो कृष्ण के साथ, ये सब मैं स्वयं ही कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं द्वारका आई आपसे मिलने के लिए हूँ। ऐसे एकांत में आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? नहीं, मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। हम दोनों मिलकर घट स्थापना के लिए घट सजाएंगे। कृष्ण, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैं अपना अपमान सह सकता हूं राधा, मेरे आराध्य का नहीं। वो आनंद तांडव कर रहे हैं, इस संसार में प्रसन्नता बांट रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, इस संसार के हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और प्रतीत होता है कि तुम्हें उनकी भावनाओं का कोई मोल ही नहीं है। जाने दो, जो सही लगे तुम कर सकते हो, मुझसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुमसे ये कटु वचन कहना आवश्यक था राधे, मैं तुम्हें आभास करवाना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रेम कितना अनमोल है, कितना विशेष है।
और बस इसीलिए तुम सुरुष्ट होने का नाटक मैं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी पीड़ा हो सकती है, किंतु कल प्रातःकाल मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सब ठीक होगा। बस तब तक धैर्य रखना। मुझे कृष्ण को दुखी करने का या महादेव को अपमानित करने का कोई मंतव्य नहीं था। तो मैं क्या करूं सुभद्रा, मुझे ना अत्यंत आकुलता का आभास हो रहा है। सत्य देखने का ही मन नहीं कर रहा। कैसे समझाऊं मैं कृष्ण को? मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप भ्राता कृष्ण को मनाएंगी तो वो अवश्य मान जाएंगे। मैंने बलराम दाऊ से बहुत सारी बातें सुनी है। जब जब आप भ्राता से रुष्ट हुई हैं, उन्होंने आपको सदैव मनाया है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस बार आपका अवसर है उन्हें मनाने का। सही कहा सुभद्रा, जब प्रत्येक बार कृष्ण मुझे मना सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उसे मनाऊंगी। धन्यवाद। किंतु ये बलराम दाऊ है कहाँ? अना ने मुझसे कहा था कि अपस्मार एक वामन असुर है, हो ना हो ये उसी के पैरों के चिन्ह है। इसका अर्थ यह है कि ये अपस्मार यहीं कहीं निकट ही है। निश्चित रूप से ये नकारात्मकता अपस्मार से ही संबंधित है। और कितना प्रयास करोगी अपने अपने स्वजनों को प्रसन्न करने के लिए? किसी को कुछ भी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता है तो केवल सकारात्मक स्मृतियों को भूल जाने की। भूल जाओ कि कभी तुमने उनका आभास किया था। भूल जाओ उन्हें भी जिसने तुम्हें कभी प्रसन्न किया है। जाओ, लौट जाओ। जिसने भी मुझे रोकने का व्यर्थ प्रयास किया है, कदाचित उसे मेरी शक्तियों का बोध ही नहीं। इस अपस्मार पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जाकर काना को यह सूचित करना होगा। केतु, बलराम भी अपस्मार को रोकने में असक्षम रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि अपस्मार अवश्य ही महादेव के नृत्य में विघ्न डाल सकता है और कृष्ण की योजना को नष्ट कर सकता है। राहु, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? वो देखो। नहीं केतु, तुम स्वप्न नहीं देख रहे। शुक्राचार्य स्वयं हमारी ओर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वो शीघ्र ही हमें ढूंढ लेंगे और हम भी कृष्ण की योजना को असफल करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। कृष्ण की कुंडली पर पुनः
राहु और केतु का संकट मंडराने वाला है।